सो हे गाइस ऑल, रिजल्ट का एक दिन निकल चुका है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स के ना बहुत ज़्यादा मैसेज हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा मैसेज है भाई, रिजल्ट ना नेगेटिव आया, रिजल्ट फेल आया है, अब क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इतने लंबे लंबे मैसेज हैं भाई, यकीन नहीं मानोगे इतने ज़्यादा मैसेज हैं। तो जिनके रिप्लाई नहीं दे पा रहा ना भाई, उनको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जितना भी जो बेसिक आया ना मेरे समझ में, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट के मैंने मैसेज देखे अब तक, मैं कल से लेकर अब तक कम से कम मोर देन 100 स्टूडेंट की रिप्लाई दे चुका हूँ। और यू विल नॉट बिलीव, मेजोरिटी का जो प्रॉब्लम है ना यही है भाई, नेगेटिव रिजल्ट है। थर्ड अटैम्प था, फोर्थ अटैम्प्ट था, फिफ्थ अटैम्प्ट था, एक का तो आया भाई, 6 अटैम्प्ट लग गए। और किसी का प्रॉब्लम यह है कि भाई मार्क्स बहुत कम है, मार्क्स बहुत कम है। मार्क्स कितने हैं भाई, यू विल नॉट बिलीव, किसी के ना सिंगल मॉड्यूल 400 में से 60 मार्क्स है, ओनली 60, किसी के 98 मार्क्स है, वो 100 भी टेस्ट नहीं कर पाए। तो उनको क्या करना है, उनको बोथ देना है, सिंगल देना है, उनके ऊपर बात करेंगे। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं भाई, बहुत अटैम्प्ट लग रहे हैं, 3-4 अटैम्प्ट लग चुके हैं, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मतलब कैसे करें। करना तो जून में है, ये डिसाइडेड है भाई, जून में एग्जाम देने फिर से, लेकिन व्हाट टू डू, करना कैसे, हाउ टू डू, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। रिजल्ट नेगेटिव आके ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखो तो पहला पॉइंट जो आप लोगों को करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट कि यार ठीक है नेगेटिव आया, मेरा भाई मेरे का भी नेगेटिव आया, आपके भाई का भी नेगेटिव आया, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन कि हाँ यार नेगेटिव आया है। अब इस नेगेटिव को हम कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से सुनना इच एंड एवरीथिंग। सबसे पहली बात, एक्सेप्ट करने के बाद ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास ज़्यादा महीने नहीं है, सिर्फ 3 महीने हैं, ओनली 3 मंथ्स वी हैव। अब इस 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हमारे लिए। 3 महीने है, देखो अगर कोई स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहेगा कि भाई मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूँ और मैं बोथ मॉड्यूल दे दूँ, तो बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है, बोथ मॉड्यूल दो। एंड जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया और जो ऐसा है ना भाई, अच्छे खासे मार्क्स से फेल हुए हैं, 30-40 मार्क्स में फेल हुए हैं ना, तो भाई आपको डेफिनेटली सिंगल मॉड्यूल के लिए जाओ। अगर ऐसा था कि किसका एक मॉड्यूल है भाई 8-10 मार्क्स से फेल हुए हैं, 15 मार्क्स से फेल हुए हैं, और न्यू मॉड्यूल ना, मतलब न्यू मॉड्यूल जीरो से स्टार्ट करना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो उनके लिए भी बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप बोथ मॉड्यूल दें। सिंगल मॉड्यूल दो, अच्छे से दो, उसमें जी जान लगाओ एंड उसको फोड़ो। 3 महीने मार्च अप्रैल में भाई फोड़ देना अच्छे से, ठीक है। अब क्या क्या रेफरेंस स्टडीज हैं, जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है ना वो यही है कि भाई एग्रीगेट ही नहीं बन पाता है, एग्रीगेट नहीं बन पाता। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, तो मैं तो इसका तोड़ निकालने वाला हूँ, और जो मैं इसका तोड़ निकालूंगा तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया हो तो लाइक कर देना वीडियो को और बेल आइकन भी दबा देना। देखो मैं क्या इसमें स्टडीज लाने वाला हूँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ बहुत टाइम से कि यार क्यों 9 मार्क्स से, क्यों 8 मार्क्स से, क्यों 7 मार्क्स से, क्यों हम 4-5 मार्क्स से फेल होते हैं। तो रीज़न जो मुझे समझ में आया है वो रीज़न यही है कि हमने या तो कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाया नहीं है, या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाया जैसे कि मैंने ड्राफ्टिंग में बनाया था, लेकिन उतने हिसाब से ना मैं एक्सपेक्टेड हमें जो मार्क्स थे वो मिल नहीं रहे हैं। तो हमें कैसे वो मार्क्स लेने हैं जो हमने सोचे, ध्यान से सुनना, इसकी स्टडी तो बताऊंगा लेकिन अभी ध्यान से सुनो। 3 महीने हैं यार, लग जाओ अपने रिजल्ट के लिए। 25 अगस्त, प्रॉब्लम यह है कि जो 25 तारीख को रिजल्ट आया, एक्सेप्टेबल, किसी को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन जब एक्सेप्ट करना पड़ेगा और 25 अगस्त को ऐसे रिजल्ट ना आए, 25 अगस्त 6 महीने हैं लेकिन एग्जाम के सिर्फ 3 महीने हैं, तो 3 महीने हमें फोड़ना है। स्टार्ट करो यार, मैं भी स्टार्ट करूँगा ना, मैं तो अभी यहाँ पर आया हुआ हूँ अपने घर से बाहर फैमिली फंक्शन में, अदरवाइज मैं सेम डे स्टार्ट कर देता हूँ। तो जिसके पास टाइम है बिल्कुल भी वेस्ट मत करो यार, स्टार्ट कर दो, रीस्टार्ट कर दो। 80%, 90% जितना छोड़ा था सिलेबस, 80% किया था, 20% छोड़ा था, तो जितने भी सबसे पहले छोड़ा था ना उसको देखो यार, उसको तो पूरा करो। एंड देन जो आपने अच्छे से कर रखा था, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, तो उसके साथ साथ लेके चलना। अब ऐसा मत करना भाई बाद में करेंगे, बिल्कुल बाद में कुछ मत करो, अभी से करते जाओ। और एग्जाम्स उससे जून में नहीं, मई में, इस हिसाब से करो तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे यार इस बार ज़्यादा मार्क्स आने। देखो अगर आपको एग्रीट मिला के 200 लाने ना, तो भाई 200 मत सोचो, जैसे मुझे एग्रीट लाने 150 तो मैं 150 नहीं सोच रहा, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। 8-10 नंबर तो भाई हमारे कम होते ही होते हैं, मैंने ये देखा है। अब इस 8-10 नंबर को ऐसे बढ़ाना, तो मैं एक्सपेक्टेड है ना अपना 150 नहीं रखना, 160 रखना है, मैं भी ये करूँगा। तो बाकी और स्टडीज़ आप लोगों का शेयर करते रहूँगा। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट यू नो वेरी वेल गाइज, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन जून 24 के लिए। रिजल्ट वालों टेंशन मत लो यार, मैं भी हूँ ना, मैं भी तो पढ़ूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अपन करेंगे कुछ ना कुछ यार, ठीक है, एग्रीगेट का तोड़ निकालेंगे, पक्का निकालेंगे, ठीक है, इतना मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। मैं भी अब एग्रीगेट तोड़ निकालूंगा, आप भी निकालेंगे, एग्रीगेट ने बड़ा परेशान कर रखा है, एग्रीगेट का तोड़ निकालेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास कुछ इसका तोड़ हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज मैं तो इस पर काम कर ही रहा हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।